entry. Baba said, there is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one law, the law of duty. There is only one God. He is omnipresent, present everywhere. This is the message that Baba has given to all of us. This was a very profound statement of Baba, underlining his universal philosophy of unity of all. We need to walk on the path of truth, satya, right conduct, dharma, peace, shanti, non-violence, ahimsa, and love, prema. That's the need of the hour. Just now, the Prime Minister has called me, asked me also, because there's some other issues. I told him I'm here. He said, then don't worry, go ahead, be there in that program only. This is what Prime Minister has told me. So, friends, once again, I salute the memory of Sri Satya Sai Baba, and also I salute the devotees who are doing a great service to the cause of the nation. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Nandri. Vanakkam. Thank you very much, sir. It was very enlightening, and it's established the fact that you are the true devotee of the message of Bhagwan Shri Satya Sai Baba, and I think that is established. We have a very short clipping of the Satya Sai Vidya Jyoti, the first school in the far-off hills of Solan in Himachal Pradesh, a very short film which we dedicated at the Divine Lotus Feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. ओम श्री साईराम भगवान श्री 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 सत्यसाई बाबा वारी दिव्य संदेशवाणी की प्रतिस्पंदनगा विद्यार्थिनी विद्यार्थुलनु चैतन्यपरिचि पाठशालालकु साधिकारतनु अंदिंचि तद्वारा देश निर्माणानिकि तोड्पाटु अंदिंचेंदुकै भारत देश व्याप्तंगा श्री सत्यसाई सेवा संस्थलु सविनयंगा चेपट्टिन सेवा कार्यक्रममे श्री सत्यसाई विद्या ज्योति सत्यसाई दिव्य प्रेम సేవా స్ఫూర్తి విశ్వవ్యాప్తమైనదని మనకందరికీ అనుభవపూర్వకముగా తెలుసు. ఆ సేవా చైతన్యం ఏ విధంగా సేవా బృహత్కార్యములను చేయిస్తున్నదో ఇప్పుడు చూద్దాం. అది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సోలాన్ జిల్లా. సోలాన్ జిల్లాలోని బసల్ అనే గ్రామం. ఆ గ్రామంలోని గవర్నమెంట్ మిడిల్ స్కూల్ నందు విద్యాజ్యోతి కార్యక్రమం వెలుగులు నింపింది. ఆ కార్యక్రమం ద్వారా ఉత్తేజితులైన ఆ పాఠశాల విద్యార్థినులు ఒక లఘు నాటిక ద్వారా వారి పాఠశాలకు జరిగిన మేలును వివరిస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఆ దృశ్యం చూద్దాం. अरे गिताली, तुम ये आसपास क्या देख रही हो? अरे मैं ये देख रही हूँ कि हमारा स्कूल भी रंग बिरंगी झंडियों से क्यों सजा है. अरे तुम्हें पता नहीं है, जो पिछली बार श्री साई स्मी जी से आए भैया लोग थे, उन्होंने हमारे स्कूल के लिए क्या क्या किया था? अरे हाँ, याद आया, उन्होंने हमें खाने के लिए फल, मिठाइयाँ, दलिया और यहाँ होली खेलने के लिए रंग और पिचकारी भी तो दी थी. हाँ, उन होली को खेल कर भी हमें बहुत ही मजा आया था. अरे गीतांजलि, अरे देखो जरा मैं ये क्या देख रही हूँ, अब ये तो झूले हमारे लग चुके हैं. अरे हाँ, अब तो हम इसमें झूल भी सकते हैं. हाँ बिल्कुल, अब हम इसमें अच्छे से झूल सकते हैं. अरे वो देखो, पीछे जो दीवार गिरी थी वो भी अब ठीक हो गई है. हाँ, ये सब दीवार तो उन भैया लोगों ने जल्दी ही ठीक कर ली. अरे गीतांजलि, तुम्हें पता है आज भी आए हैं तो ये आज हमारे लिए कुछ नया लाए होंगे. अरे हाँ, हमारे लिए नए शूज लाए हैं. अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा. हाँ बिल्कुल, बहुत ही मजा आने वाला है. जब मैं घर से स्कूल आ रही थी तो मैंने देखा हमारे गेट के बाहर एक बोर्ड लग चुका है जिसमें हमारे स्कूल का नाम लिखा है. हाँ बिल्कुल. अरे देखो वहाँ पर, देखो जरा, प्राइमरी का गेट एक टूटा हुआ था जब वहाँ से पशु रोज आते थे और हमारे यहाँ पर क्यारी में लगे फूल पौधे को खा जाते थे. अब तो पशु भी हमारे फूल पौधे नहीं खाएंगे. हाँ, अब तो हमारे फूल पौधे बड़े हो जाएंगे. अरे हाँ, और इस सब में तो सबसे ज्यादा मेहरबानी हमारे अतिथि, हमारे श्री साई समिति से अतिथिगण और अध्यापक जी की है. हाँ, और सबसे ज्यादा कृपा तो इसमें श्री सत्य साई बाबा की है. चूसारा आ चिन्नारुला उरकलु वेसे उत्साहम. इपुडु आ पाठशाल प्रधान उपाध्यायुरालु स्वामिकी సత్యసాయి సేవా సంస్థలకు తమ కృతజ్ఞతలను ఏ విధంగా తెలిపారో వీక్షిద్దాం.
साईं जी की कृपा से आप सबके साथ रूबरू होने का हमें मौका मिला। बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विद्यालय के लिए इतना कुछ किया। जो हमारी दीवार टूटी पड़ी थी, जहाँ से बच्चों का गिरने का खतरा बना रहता था, वो लगवाया, पेंट करवाए, शीशे लगवाए, और झूले टूटे पड़े थे जिससे कि बच्चे बहुत अपना आनंद लेते हैं, वो भी इन्होंने ठीक करवाए, और बहुत प्रांगण को कितना साफ सुथरा किया, क्यारियाँ बनवाई, गेट लगवा दिया, तो बहुत बढ़कर इन्होंने काम किया है। और आगे भी मैं बहुत कह रही थी करते रहेंगे। बच्चों को, स्कूल के अध्यापकों को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि श्री सत्य साई जी की कृपा से जो हमारे ऊपर ये बनी है वो आगे भी बनती रहे। टोल की पहाड़ियाँ इससे भी ऊंची हाइट पर है। कहा जाते हैं कि वहाँ पे जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो वहाँ सुरंग बनाई गई थी जो उन्होंने अज्ञातवास के समय बनाई। यहाँ पहाड़ियों के आगोश में ये स्कूल जो है विद्यमान है दोनों, और बच्चे तो भाग्यशाली हैं ही, और आगे से साईं बाबा जी की कृपा बनी रही तो और भी हम लोगों को हो गया, और अब आगे से भी इनका आशीर्वाद जो है बच्चों पर है, इनको सद्बुद्धि मिले, बहुत लायक बच्चे निकले और आगे बढ़ चढ़ कर ये बच्चे जो है देश का नाम रोशन करें। श्री सत्यसाई विद्याज्योति कार्यक्रमम దేశవ్యాప్తంగా మారుమూల ప్రాంతాలలోని ఇలాంటి ఎన్నో పాఠశాలలకు సత్యసాయి సేవా సంస్థల ద్వారా సేవలను అందించబోతోంది. స్వామి, ఈ సేవాయజ్ఞంలో మా అందరినీ భాగస్థులను చేస్తున్నందుకు సదా వేవేల కృతజ్ఞతలు. జై సాయిరాం.